नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सूरज है, सूरज कुमार। और मैं जो बिहार से बिलोंग्स करता हूँ, बिहार से हूँ। मैंने जो है 1 साल पहले जो है कंपटीशन की तैयारी शुरू की है। और मैंने इससे पहले जो है BCA किया हुआ है। और मैंने ये सोच रखा था कि मैं MCA करूँगा, MCA के बाद जो है अपनी लाइफ किसी प्राइवेट सेक्टर को दूंगा। लेकिन जो है मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि तू जो है कंपटीशन की तैयारी कर, सरकारी जॉब एक अच्छा विकल्प हो सकता है तुम्हारे लिए। तो मैंने पिछले 1 साल से इस फील्ड में आया हुआ हूँ। तो मैंने जो है ये इस 1 साल के दौरान जो है मैंने सबसे स्टार्टिंग में मैंने बिहार SI का मैंने फॉर्म भरा था। और उसके बाद मैंने उसका जो है बिहार दरोगा जिसे कहते हैं, तो मैंने उसके PT और मेंस दोनों मैंने निकाले हुए थे। उसके बाद मुझे SSC CPO का एक एग्ज़ाम होता है, मैंने उसे दिया था, मैंने उसे भी निकाला। और उसके बाद जो है मैंने रेलवे के एग्ज़ाम को भरा, NTPC जो हुआ था, तो उसमें CBT 1 में मेरा रिजल्ट हुआ है। सेकंड जो CBT का एग्ज़ाम है, मैं उसका भी रिव्यू आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि उसका एग्ज़ाम का डेट अभी तक आया नहीं है मेरा। एक फेज का 9 और 10 तारीख को था, तो उसमें मेरा नहीं पड़ा है, शायद अभी डेट निकालेगा शायद बाद में, तो वो है। और मैंने ये 8 को BPSC का एग्ज़ाम मैं दे के आया हुआ हूँ। तो जो है BPSC का जो पेपर हुआ है वो लीक हो गया है, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही दुखद घटना है। तो मैंने ये देखा है कि काफ़ी मतलब लोग हताश हैं, निराश हैं, कि वो का अच्छा बहुत बहुत ही अच्छा गया था ये एग्ज़ाम, और उनका जो है रिजल्ट नहीं बन पाया क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो आप लोग हताश ना होएं, आप जैसे मैंने दिया था, मेरा बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम गया हुआ था। हाँ, एग्ज़ाम का कट ऑफ मेरे ख्याल से इतना भी मतलब वो हाई नहीं होता, मुझे लगता है कि 105 के आसपास ये कट ऑफ जनरल का जाता। और जो है इसमें थोड़ा सा ज्योग्राफी जो है मैं बता रहा हूँ BPSC के बारे में, इसमें ज्योग्राफी जो है, इकोनॉमिक्स जो करेंट का है वो पोर्शन जो है, और उसके बाद आपका ले लें करेंट का जो कि डेटा वाइज था, वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ था। तो मेरे ख्याल से 105 के आसपास अराउंड जाना चाहिए इसका कट ऑफ जो है। और मैं बता दूं कि ये मैंने अपने अनुभव आपको शेयर किए हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे ये एग्ज़ाम देकर के ये लगा कि नहीं, मुझसे BPSC हो सकता है। या मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगा कि इसे पॉजिटिव वे में लें, ताकि जो है जो नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा मार्क्स नहीं ला पाए इस बार, तो उनके लिए एक चांस बन जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 2 महीने के बाद ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी मई है तो ये पूरा मई लेके जाएंगे। जून के लास्ट वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये BPSC जो है सेकेंड बार फिर से एग्ज़ाम जो ये रिकंडक्ट करवा रही है, वो मुझे लग रहा है कि जून के लास्ट वीक तक जाएगा। तो आप लोग फिर से तैयारी में भिड़ जाएं, और इस बार अच्छे मार्क्स लाना है, इस बार सेलेक्ट सन मतलब लेके ही आना है, तो तैयारी बहुत ही अच्छे से करें। और मैं आगे बताऊंगा कि मैंने UPSC की भी कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अदर जो एग्जामिनेशन है मैंने कैसे निकाला हुआ है, मैं क्या उसमें कैसी मेरी पढ़ाई रही है इस दौरान, तो मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा आगे में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।